को जो है प्रत्याशी बनने के बाद पराया बनाने का काम क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं गया कब हो? हाँ आदिपुर नहीं गए हो? बात सही है ना? तब हाँ संवाद है, कभी भाषण नहीं होगा, जहाँ गड़बड़ हो आप बोलना पड़ेगा। कल से सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मोबाइल को निकालकर किसी भी सोशल साइट पर चले जाए, हर तीसरा या चौथा वीडियो यही निकल कर आ रहा है कि इन जनाब को तो पहचानते ही होंगे आप। जरूरी बात करनी है। और नहीं तो चलिए पहचान और पूरा माजरा हम बता देते हैं। दरअसल ये है बीजेपी के सिटिंग सांसद विनोद सोनकर, जिनको बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा देकर दोबारा टिकट दिया है, ताकि वो मोदी जी के सपने को पूरा कर सके। लेकिन अब यहाँ दाव उल्टा पड़ गया है। पहले तो वो अपने 5 साल से अपने क्षेत्र से नदारद रहे, लेकिन अब उनका खुलकर विरोध हो रहा है। किसी भी हलके में जैसे ही वो वोट मांगने जा रहे हैं, तो कोई उन्हें सैयद पठान शाह बोलकर चिढ़ा रहा है, तो कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर 5 साल नेताजी कहाँ थे आप। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो खुद ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो देख लीजिए। मैं बैठा सोच रहा था, जब व्यापार मंडल में मैं जाता था तो आप लोग कहते थे जो व्यापार करे वो व्यापारी। बात सही है ना? तब हाँ संवाद है, कभी भाषण नहीं होगा, जहाँ गड़बड़ हो आप बोलना पड़ेगा। जो व्यापार करे वो व्यापारी। तो भैया मैं व्यापार नहीं करता काम, तो आपने हमको जो है प्रत्याशी बनने के बाद पराया बनाने का काम क्यों कर रहे हैं भाई? आपको पराया नहीं बनाया। 5 साल दिखा देंगे 10 साल। कहा जरूरी बात करिए। अगर आप मने बना लिए हो कि विनोद को ना सुने के ना देखे तो कोई बतिए नहीं ना। 10 साल, अरे भाई 10 साल में जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कोई गांव कोई गली नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। शादीपुर नहीं गया कब हो? हाँ शादीपुर नहीं गया हो? चलिए अभी मैं जहां हूँ वहां की बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जब कादीपुर चलेंगे तो वहां भी बात करेंगे। नहीं। दरअसल सिराथू विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत दारानगर में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर पहुंचे हुए थे, लेकिन एक बार फिर उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही उन्होंने अपना भाषण शुरू किया, बीच में कई लोगों ने बार बार सैयद और पठान कहकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके चलते विनोद सोनकर काफी बेचैन दिखे। ये विरोध प्रदर्शन कोई पहली बार देखने को नहीं मिला है। इससे पहले भी विनोद सोनकर का कई जगहों पर विकास कार्य न करने के चलते मतदाताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसके अलावा भी बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सोनकर का कई जगह विरोध हो चुका है। अगर आप मने बना लिए हो कि विनोद को ना सुने के ना देखे तो कोई बतिए नहीं ना। 10 साल, अरे भाई 10 साल में जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कोई गांव कोई गली नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। शादीपुर नहीं गया कब हो? हाँ शादीपुर नहीं गया हो? चलिए अभी मैं जहां हूँ वहां की बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जब कादीपुर चलेंगे तो वहां भी बात करेंगे। देखिए जो भी चाहे अखिलेश लड़े चाहे तेज प्रताप लड़े, वहां से समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। ये भी सुनने कहा है कि पहली बार डिंपल यादव सहानुभूति की नाव पर बैठ के जीती थी, इस बार क्या जनता को जवाब देंगे? देखिए पहले भी जीती थी और आपकी आपकी और बड़े पे वोट से जीते। पीडीए जो समाजवादी पार्टी लेके आई है, लेकिन उनका मैनपुरी प्रत्याशी कहना है पीडीए पूरी तरीके से कमल के साथ है और कमल खिलाने का काम कर रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है,
ये देखिए वहाँ पर जो प्रत्याशी उतारा था है? उसका टिकट काटा। वहाँ बदायूं में जो सांसद थी उसका टिकट काटा। तो ये किसी भी पिछड़े वर्ग से लेकर के किसी का भी सम्मान नहीं करते, यहाँ तक कि महिलाओं का भी। अब वहाँ पर बदायूं में भी महिला का टिकट काटा, यहाँ पर भी उस क्या नाम था गुलशन देव साग का टिकट काटा काटा। तो देख लेना मैनपुरी से डिम्पल यादव पुराना रिकॉर्ड भी जीत, पुराना रिकॉर्ड तोड़ेगी। मंत्री जी क्या वजह रही है कि मैनपुरी से मंत्री को उतारना पड़ा, भाजपा ने मंत्री को मैदान में उतारा, क्या वजह रही है? देखिए इनकी पूरी सरकार बेईमान सरकार है, जनता समझ चुकी है। चाहे किसी को ये उतारे और मैनपुरी से डिम्पल यादव पहले से भी ज्यादा वोट। बता दें कि कौशाम्बी में पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होना है, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। लेकिन ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी और सिटिंग सांसद विनोद सोनकर का कई इलाकों में जमकर विरोध हो रहा है। लोग इसलिए भी विनोद सोनकर से काफी नाराज हैं क्योंकि उन्होंने ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के लिए धर्म परिवर्तन कर सैयद पठान और अंसारी बनने वाला नारा दिया था। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर को इससे कितना नुकसान होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कौशाम्बी से कुलदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।